कोरोना की त्रासदी कम करने के लिए सहायक माना जा रहा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए भले ही कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन अब तक इसमें कई तरह की रुकावटें आती रही है। फिर एक बार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 21 जून से 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू होने की घोषणा की थी, किंतु वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होने से इस दिन मनपा अभियान शुरू नहीं कर पाई। अब वैक्सीन मिलने के बाद बुधवार से 18 प्लस को वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया गया है। कितने दिनों तक लगातार 18 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल 106 केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा मनपा की ओर से किया जा रहा है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन पद्धति से पंजीयन कराया जा सकेगा। बताया जाता है कि 106 केंद्रों पर मनपा की ओर से 18 प्लस को कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका द्वारा 18 प्लस के वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से प्रारंभ हुई है। मैं 18 प्लस के जितने भी नौजवान हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागपुर महानगर पालिका ने 106 केंद्र पर इस वैक्सीनेशन की व्यवस्था की शुरुआत की है। सभी 106 केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप जाएँ और अपना वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के लिए जाते समय आपको जो शेड्यूल मिला है उस शेड्यूल के अनुरूप जाए, जिसके कारण कहीं भी किसी प्रकार से गर्दी ना हो, भीड़ ना हो और वातावरण किसी प्रकार से प्रदूषित ना हो, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। थर्ड वेव आने से पहले नागपुर शहर के सारे यूथ का वैक्सीनाइजेशन हो जाना चाहिए, इस लक्ष्य को लेकर के हमने 106 केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन शुरू किया। इसलिए सभी केंद्रों पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आप लोग वैक्सीनेशन कराएं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस वैक्सीनेशन को शुरू किया, इसलिए उनका अभिनंदन और आभार दूंगा।